तीन लोग अगर गलत बोल रहे हैं तो आप गलत हो। Wait a minute. Who are you? हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना एडवेंचर फ्रेंड गौरव तिवारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत से लोगों ने मुझ पे आरोप लगाया कि गौरव आपने हमारी स्क्रिप्ट कॉपी की है या किसी चीज की कॉपी की है, जो ग्रुप के अंदर हमारी बातें हुई हैं उन्हें आप अपने पर्सनल यूज के लिए लेके आए हो। तो आज देखते हैं क्या क्या पहले आरोप लगाए वो सुन लेते हैं पहले। तो सामने आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर, जो वीडियो चल रही है उसके अंदर आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग साफ साफ चलेगी एंड आप ध्यान से सुनिएगा। गौरव सर, मैं पर्सनल नहीं होना चाहता हूं, लेकिन मैंने आज आपकी एक वीडियो देखी यूट्यूब पे और उसमें जितने भी वर्ड्स हैं वो वर्ड्स तक मेरे हैं। आपको समझ में आ रहा है? वर्ड्स तक। अगर आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन उठा उठा के अपने यूट्यूब में डालने के लिए बोल रहे हो अगेन, आपको शायद या तो हम समझा नहीं पा रहे या आपको बात समझ में नहीं आ रही है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, ठीक है? मैंने आज आपकी वीडियो देखी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन उठा उठा के वहाँ डाल रहे हो। सर, इन्फॉर्मेशन के भी कॉपीराइट्स होते हैं, ठीक है? मैं ऑलरेडी इस पर ब्लॉग बना चुका हूँ, मैं भी ब्लॉगिंग करता हूँ और मैं रिटर्न ब्लॉग करता हूँ, तो ऑलरेडी मैं इस पर ब्लॉगिंग कर चुका हूँ। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, और मैं जो काम करता हूँ वो पेटेंट के साथ करता हूँ, ठीक है? मेरी अपनी वेबसाइट है और मैं पेटेंट के साथ ये काम करता हूँ। आपको या तो समझ नहीं पा रहे, हम लोग अपने अपने इंटरेस्ट को छोड़कर यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप प्लीज़ इस बात को समझिए। तमन, आप हमें मूर्ख समझ रहे हो। देखो सर, हमारे पास एक इतिहास है, ठीक है? आपसे बड़ा इतिहास है, इतना मैं बता दूं आपको, ठीक है? आप बार बार हमारी बात को डिनाई मत कीजिए। आपको तीन लोग अगर गलत बोल रहे हैं तो आप गलत हो, ये आप बात आप समझिए, ठीक है? हर चीज़ का एक कंसेंट होता है, समझ में आता है? कंसेंट। आपने हमारी पहले तो वीडियो उठा के अपने उसमें डाल दी, हम लोगों ने फिर कुछ नहीं बोला। फिर उसके बाद आप ये, मैं रिपोर्ट कर दूंगा आपके यूट्यूब चैनल पर, ठीक है? आप प्लीज़ ऐसा मत करें। मैं कोई वो दुश्मनी नहीं उठाना चाहता, लेकिन ये काम आप गलत कर रहे हो। दिस इज़ अनएथिकल, सॉरी टू से, बट दिस इज अनएथिकल। तो दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं उस वॉइस रिकॉर्ड की जिसमें इन्होंने बोल रखा है कि जो इनकी इंफॉर्मेशन मैंने चुराई है या जो इनकी इंफॉर्मेशन मैंने कॉपी की है, तो वो आप देखिएगा। देखो गौरव, ये तो वही बात हो गई कि अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गाड़ी नहीं ठोक सकते। और ऐसा नहीं है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तो मतलब मैं इस मुद्दे, इस बहस में नहीं पढ़ना चाह रहा कि सर्टिफिकेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बट ऐसा सर्टिफिकेट कोई है ही नहीं। मैं आपको साफ और सीधी बात बता रहा हूं, ऐसा कोई सर्टिफिकेट है ही नहीं जो हमें ये सर्टिफिकेशन दे कि जो सब बेसिक और एडवांस का जो सर्टिफिकेशन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ, उसके नीचे देखना आप उस सर्टिफिकेट में क्या लिखा होता है। अगर आप सर्टिफिकेट पढ़ोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको रिकमेंड किया गया है किसी माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन के लिए या फिर एडवांस कोर्स के लिए या नेक्स्ट कोर्स के लिए। आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करती है वो इंस्टीट्यूट कि आप कहीं पे जाके ज़िपलाइन का सेटअप लगाओ या फिर कहीं और कुछ और करो। आपको काम इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो आपको काम आता है। सपोज दैट मैं 12वीं पास हूँ तो 12वीं पास हूँ इसलिए मुझे कहीं नौकरी नहीं मिलती है। हाँ, 12वीं पास होने के बाद मेरे अंदर कुछ स्किल्स हैं इसलिए मुझे नौकरी मिलती है। तो यहाँ पे सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई पैमाना आज तक हमने मांगा ही नहीं। अगर सपोज दैट मैं कल के दिन बोलता हूँ कि यार एक लाइसेंसिंग स्टार्ट होनी चाहिए और उस लाइसेंसिंग के लिए टेस्ट होना चाहिए, तब होता है। जैसे सपोज दैट राफ्टिंग गाइड, उनको पहले कोर्स करना पड़ता है, फिर कोर्स करने के बाद उनको टेस्ट देना पड़ता है। तो अभी आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखी है, स्क्रीनशॉट मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि उसमें भी लोगों को दिक्कत होती कि ये चीज़ फेक है या एडिटिंग के जरिए बनाई गई है। तो ये आरोप मुझ पर लगाए गए हैं। तमन सर देख रहे होंगे, तो तमन सर आप देख सकते हैं चीज़ें, ये चीज़ आपने आरोप मुझ पर लगाए थे। इसके बाद आती है बात कि मैंने अपनी तरफ से एक्सप्लेन आपको क्यों नहीं किया। तो एक्सप्लेन करने के लिए आपको कॉल भी किया था, 20 मिनट तक हमारी बात भी हुई, उसका स्क्रीनशॉट भी मैं दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन पे। एंड इसके अलावा उसमें आपने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। आप अपनी तरफ से आरोप लगाते गए एंड आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली थी, अगर तीन लोग सही बोल रहे हैं इसका मतलब आप गलत हो। तो आप जैसे तीन या हज़ारों लोग आके मुझे बोलते हैं कि अगर मैं गलत हूँ तो मैं गलत नहीं हूँ, आप जैसे लोगों की मैं परवाह नहीं करता। हाँ, रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी, आपने माउंटेनिंग एंड एडवेंचर में बहुत सारी चीज़ें की हैं, बहुत सारी अचीवमेंट है आपके नाम पे, बट आप जैसे हज़ारों लोगों की मैं कदर नहीं करता अगर मैं अपनी जगह पे सही हूँ तो। इसके बाद मैं अपना प्रूफ दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं, ये एडिटिंग कहीं से भी नहीं है, ये पूरा आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है।
सर्टिफाइड होते हैं वो काम करने के लिए सीखते हैं, दोनों में ये फर्स्ट डिफरेंस है। इसके अलावा अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, तो एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, छोटी सी स्टोरी है। एक्चुअली कुछ टाइम पहले और जो सर्टिफाइड होते हैं वो काम करने के लिए सीखते हैं, तो दोनों में ये फर्स्ट डिफरेंस है। इसके अलावा अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, तो एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, छोटी सी स्टोरी है। एक्चुअली कुछ टाइम पहले मेरे फ्रेंड वगैरह ऋषिकेश गए थे, तो ऋषिकेश में क्या होता है, पैराग्लाइडिंग होती है। तो पैराग्लाइडिंग के लिए जब उन्होंने जो पैराग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर्स थे उनसे पूछा, तो उन्होंने एक कुछ अलग ही चीज़ बताई जो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इसके अंदर एक्चुअली क्या था कि जब वो पैराग्लाइडिंग के लिए इंस्ट्रक्टर से पूछे कि ये पूरी तरह सेफ है या नहीं है, कोई और इशू तो नहीं है इसके अंदर, तो उन्होंने क्या बोला, तो लास्ट में वीडियो में बस यही बोलना चाहूँगा कि बिना सोचे समझे और बिना किसी दूसरे की बात सुने किसी पे आरोप ना लगाएं, और रिक्वेस्ट करूँगा अगर मेरे खिलाफ़ आपने ट्राई किया एक्शन लेने की, या अगर आप कॉपीराइट क्लेम डालते हैं तो डाल सकते हैं, आप लीगली काम कर सकते हैं। बट हाँ, जो आपने अभी चीज़ की है उसके लिए मैं आपके खिलाफ़ एक्शन ले सकता हूँ हैरेसमेंट का, क्योंकि मुझे गलत प्रूफ किया गया है और ग्रुप के अंदर आपने जो रिकॉर्डिंग वॉइस नोट भेजा है मेरी इमेज ख़राब करने के लिए भेजा है। तो अगर आप कोई एक्शन लेते हैं तो हैरेसमेंट का केस मेरी तरफ से आपके ऊपर फाइल होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।